Let's try later. जैसे यहाँ आप देख रहे हो गए उसको शशीड किया उसकी बैकग्राउंड लैंडस्केप लेकिन आपको कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी आर्ट में से सब्जेक्ट है आप कौन से कॉलेज से हो आपने वो नाम वाम लिखा है ना उस पर आपने फोटो लाए थे बच्चों आपके पास रेडी डॉट सॉ ये हमने आज जो एकेडमी में नेशनल पेंटर्स कैंप किया इसमें हमारे दिल्ली से देहरादून से और हमारे कंट्री के मुख्तलिफ रियासतों से जो हमारे बहुत रिनाउंड पेंटर्स थे यहाँ आए थे हमने इस कैंप को जो है वो हमने शुरू किया था 27 तारीख को और आज 31 को इसको कंक्लूड किया है ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये सेक्रेटरी एकेडमी जनाब भारत सिंह साहब की निगरानी में हो रही हैं और ये चौथा पाँचवा कैंप जो है जो इसका यहाँ जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है हमारे यहाँ एकेडमी में हमेशा एक साल में एक कैंप हुआ करता था आजकल तो मेरे हिसाब से सातवां और आठवां कैंप जो है अभी हो गया है और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के छोटे बच्चे और यहाँ के जो जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं लोग वो बड़े सीनियर आर्टिस्ट के साथ पेंटिंग कर रहे हैं और एक नया माहौल आर्ट और कल्चर का एकेडमी के हवाले से पैदा हुआ है इससे बहुत खुशी है हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं हमारे जो गुलकार हैं गाने वाले हैं राइटर्स हैं पोइट्स हैं मकाला रीडर्स हैं दूसरे लोग हैं उन्हें खुशी की लहर दौड़ गई है कि इस तरह से एकेडमी के अंदर काम हो रहा है और हम भी खुश हैं ऑफिसर लोग जो हम हर दिन कोई ना कोई इवेंट्स एकेडमी में होता है और इस तरह से चीज़ें हो रही हैं हमारा कल्चर एकेडमी का जो ये कैंप था ये हमने रखा इसलिए था कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया के कुछ इसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था कुछ जम्मू के थे हमारे एक्सपर्ट्स ये प्रोग्राम हमने पहले रजौरी में करना था फिर हम किसी कारण वहाँ नहीं कर पाए तो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और इसमें कोशिश यही थी कि जो ये वाली आर्ट फॉर्म है इसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि ये एक जो इनका एक इनका जो एक्सप्रेशन का जो एक लैंग्वेज है ये भी एक ज़बान है जिसमें अल्फाज नहीं है ये उनकी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है और बेहतरीन तरीके से इन्होंने को इसको अपनी इमेजिनेशन को अपनी क्रिएटिव आर्ट को इन्होंने कैनवस पे उतारा है जो आज हमने देखा और बहुत ही बेहतरीन किस्म की इन्होंने पेंटिंग्स तैयार की हैं और हर पेंटिंग में एक अपना अलग से मैसेज है जो उस आर्ट फॉर्म की रिफ्लेक्शन है तो हमारी कोशिश ये है कि हम फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और आज हमने यहाँ एक बच्ची के मैंने देखी मतलब उसने एक क्रिएशन करी थी सिंपल एक मतलब मिट्टी से उसने एक नमूना बनाया है और उसमें मतलब वो बच्ची बिल्कुल छोटी बच्ची है यंग है बच्ची और उसके वो जो उसका प्रोडक्ट था वो देख कर मुझे लगा कि यहाँ हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है सिर्फ इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ये हम सबको मिलजुल कर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जो हमारे उभरते यंग टैलेंट जो है यंग माइंड जो है उनको मौका मिले क्योंकि ये जो आर्ट फॉर्म है ये एक मतलब अलग ज़बान है एक अलग लैंग्वेज है जिसमें मतलब वो अपनी अपनी इमेजिनेशन अपनी सोच समझ को उसमें डाल के कैनवस पे आपके सामने तैयार करता है।